हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पर। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके रिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग तो भी ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर लर्निंग का मैसेज करके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को, देखते हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या हैं। तो यहाँ पर है एट ऑफ वॉन्स का कार्ड, द मून का कार्ड। यहाँ पर है टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ पर है थ्री ऑफ वॉन्स का कार्ड। यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्स का कार्ड। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड। यहाँ पर है फोर ऑफ वॉन्स का कार्ड। यहाँ पर है द टावर और यहाँ पर है डेथ का कार्ड। ओके, तो सबसे पहले अगर हम इनकी राशियों की बात करेंगे तो पर्सन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड यहाँ पर है टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वीर्गो के पर्सन। ओके, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पर ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड यहाँ पर है फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो सबसे पहले यहाँ पर ये पर्सन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में जाते हुए नजर आएंगे आपको। मतलब अभी बहुत समय से जो बिल्कुल सुस्त पड़े थे, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, दुनियादारी की जिन्हें फिक्र होती थी, ओवर थिंकर थे, दुनिया की फिक्र कर रहे थे, दुनिया वाले क्या बोलेंगे ये बातें ज्यादा इनके दिमाग में रहती थी, वो इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में आते हुए नजर आ रहे हैं, एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्लियरिटी मतलब वो जीरो से हंड्रेड, सीधा जीरो वाला पर्सन सीधा हंड्रेड पे पहुंचा, ऐसा ही आपको दिखाई देगा, ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है। ये पर्सन आपको स्पीड रैपिड फायर मतलब ऐसा लगेगा कि ये हो क्या गया है, एकदम बड़ा सा एक्शन लेने वाले हैं। छोटी मोटी बात ही नहीं करेंगे अब तो, बड़ी से बड़ी चीजों पर बात करना है, छोटी मोटी तो एक्शन लेना ही नहीं है। क्या होता है छोटा मोटा एक्शन लेना के कोई मतलब नहीं है, सीधी बात नो बकवास, बिल्कुल ऐसा। जो कंफ्यूजन करते थे, जो लोग इनको बिचिंग करते थे, जो लोग इनको बैक स्टेप करते थे, जो इनके कान भरते थे, जो इनको कंफ्यूज कर देते थे, वो इन सब चीजों से परे हो गए हैं। जैसे इनके खुद की बुद्धि चलने लगी है, इनको कोई जरूरत ही नहीं रही अब दुनिया की, ये खुद ही चल पड़े हैं, खुद ही अपने आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आप सोच के हैरान रह जाओगे कि अचानक से ऐसा परिवर्तन कैसे आ गया इस व्यक्ति के अंदर, कैसे ये पर्सन सीधा सीधा हायर लेवल पर पहुंच गया। जो जीरो था वो पर्सन देखो यहाँ पर किस एनर्जी में है, किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी में सीधा मतलब हायर लेवल पे पहुंच गए। सारी मस्कुलाइन एनर्जीज के साथ में आपके सामने कमिटमेंट, सीधा बात करेंगे, सीधी कुछ नहीं, एकदम से इनको लगता है कि आपको इनके साथ कनेक्ट होना है, आपको इनके साथ शादी करनी है, शादी की बात करेंगे, बैलेंस की बात करेंगे, रिलेशन की बात करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो फालतू। अगर आप इस व्यक्ति के साथ नहीं जाना चाहते होंगे तो ये ब्रेकअप करके सीधे दूर चले जाएंगे, आप इतना समझ लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं या अभी आपको सही समय नहीं है, वेट करना है, और अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट दे दिया और आपने रिजेक्शन दिया या वेट करने के लिए कहा, तो ये हाथ जोड़ के बाहर निकल आएंगे और यहाँ पर बड़ा सा यू टर्न ले लेंगे, क्योंकि इनका मन है अब एक सीरियस रिलेशनशिप के लिए। अब ये सीरियस रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं और इनको उम्मीद तो खैर यही है कि आप इस रिलेशनशिप में आना चाहते हो, आप बहुत समय से इस रिलेशनशिप में आना चाहते हो। कोई थर्ड पार्टी अगर थी, कोई कंफ्यूजन अगर था, वो सारा का सारा कंफ्यूजन, वो थर्ड पार्टी रिलेशन सारे के सारे खत्म हो रहे हैं। इनको ये लग रहा है अब मुझे कोई फालतू व्यक्ति चाहिए नहीं, अब जो भी व्यक्ति होगा वो जेन्युइन होगा, अच्छा होगा और हमेशा के लिए रहेगा। जो भी व्यक्ति, जो भी रिलेशनशिप लाइफ में आएगा वो परमानेंट होगा, कोई ऐसा नहीं होगा टेम्परेरी टाइम पास और ये किसी भी तरीके का लटकाव झटकाव वाला कि भाई हाँ भी रुको अभी टाइम नहीं है, दो साल रुको, चार साल रुको, ऐसा वाला केस, ऐसा वाला सीन अगर है तो ये बिल्कुल भी उसके साथ आगे बढ़ने वालों में से नहीं है। बिल्कुल ऑन द स्पॉट कमिटमेंट देना चाहते हैं, ऑन द स्पॉट क्लियरिटी देना चाहते हैं, ऑन द स्पॉट बात करने वाले, आप ये समझ के रखिएगा।
क्योंकि ओवर थिंकिंग और ना नो एक्शन वाली सिचुएशन में ही इन्होंने ये बात सोच ली कि अभी सर मेरे को इस चीज पर फोकस करना ही नहीं है, लाइफ बहुत बड़ी है, उसमें कई सारे काम है, मुझे और भी काम करने। तो एक जो हम कमिटमेंट वाला सिचुएशन है, जो एक ऐसी सिचुएशन है जहां आपको स्टेबिलिटी चाहिए, तो उनको लगता है वो जो पर्सन है वो स्टेबल ही रहे, जो व्यक्ति मेरी लाइफ में आए तो वो व्यक्ति स्टेबल रहे, मतलब मुझे अब कंफ्यूजन नहीं चाहिए कि आज इसके साथ बात कर रहे हैं, कल उसके साथ बात कर रहे हैं, 2 साल चल रहा है, मतलब बिल्कुल नहीं, सीधा कमिटमेंट। और हो सकता है पूरा, मतलब ऐसा कमिटमेंट कि वो चलना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा आपको, ऐसा समझ लीजिए। तो डेंजरस पर्सन बन जाएंगे अगर आप इसके, अगर आप भागने की कोशिश करेंगे तो ये डेंजरस। और अगर भागना है तो अभी भाग जाओ, नहीं जाना है और रहना है तो फिर आपको पूरे समय रहना पड़ेगा, ये बात याद रखना। होप का कार्ड है, ओपनिंग का कार्ड, देखिए ओपनिंग्स, ओके, प्रस्पेक्टिव का कार्ड है एंड आर्कएंजल माइकल का कार्ड। तो वो बहुत मेंटल जो है ये पर्सन, बहुत मेंटली कहीं ना कहीं चीजों को देखकर चल रहे हैं, डिवाइन साइड अपना देख रहे हैं, बहुत ज्यादा जो अपना अंतर मन है उसको पढ़ करके पर्सन आगे चल रहा है। ये जिंदगी से होप रखे हैं कि चीजें अच्छी होंगी, लेकिन कैसे अच्छी होंगी, जब हम उसकी प्रति भावना आए, हम वफादार होंगे तब ही चीजें अच्छी होंगी, लाइफ को हम सही एंगल, यूनिवर्स को हम सही सिग्नल भेज रहे होंगे तब हम होंगे, तभी तो हमारी लाइफ में खचड़ पचड़ नहीं होगा, तभी तो हमें कंफ्यूजन, क्योंकि हम कंफ्यूजन भगवान को भी नहीं कर रहे, हम यूनिवर्स को भी क्लैरिटी दे रहे हैं कि देखो मेरे को लाइफ में ये चीज चाहिए, मुझे सीधा सीधा पाथ चाहिए, तो आपको सीधा सीधा पथ मिलेगा। तो ये इनको समझ में आ गया, यही रियलाइजेशन इनको हुआ है और यही चीज इनको समझ में आई है कि मुझे यूनिवर्स तक सीधी बात पहुंचानी है, कि मुझे एक ऐसा रिलेशन चाहिए जो बहुत ही ज्यादा सॉलिड हो और हमेशा के लिए हो, मेरी लाइफ से वो सब फालतू लोग हटा दो जो फालतू में मेरा टाइम पास कर रहे हैं। तो यहां ये याद रखिएगा, ये चीज यहां पर इनके मन में चल रही है और ये देख रहे हैं कि देखो मैं अपना जो रास्ता है वो क्लियर, तो उनको लगता है कि आप इस रिश्ते में आना चाहते हो तो क्लियर बात करने वाले, ओपनिंग का कार्ड है, डेफिनेटली बात क्लियरली कहने वाले हैं कि अगर आप आएंगे तो टोटली आएंगे, किसी भी तरीके का कोई भी ड्रामा नहीं चलेगा, किसी भी तरीके का कोई फालतू बकवास नहीं चलेगी, सीधी सीधी आओ और रिलेशनशिप पूरे जीवन के लिए निभाओ, ये चीज वो चाहते हैं। और प्लस ये भी देखते हैं कि जो लोग इनके कान भरते थे, जो इन्हें कंफ्यूज करते थे, अगर ये उनकी तरह से, क्योंकि जब वो तटस्थ होकर देख रहे हैं तो यही देख रहे हैं कि अगर वो उनकी बातों को मानते तो क्या होता, फिर वो ऐसे लड़ते झगड़ते रहते पूरी दुनिया भर के लोगों, क्योंकि वो हर किसी के बारे में इनको कान भर के उलट पुलट बातें ही करते थे कि वो व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा सोचता है तुम्हारे बारे में, वो व्यक्ति वैसा सोचता है, तो कहीं ना कहीं इनको लगता था जैसे पूरी दुनिया ही इनके खिलाफ खड़ी है। बट जब इन्होंने इन लोगों को सुनना बंद किया, इनसे बात करना बंद किया और कंफ्यूजन जब इन्होंने वो अपना हटाया, तो इनको समझ में आ रहा है कि भाई ऐसा नहीं है, जीवन में हर कोई तुमसे लड़ने के लिए नहीं खड़ा, बस क्लैरिटी देना है आपको। तो यूनिवर्स के साथ में ये क्लैरिटी दे रहे हैं और यहाँ यही क्लैरिटी ये आपको भी देते हुए नजर आ रहे हैं। सो ये है रीडिंग, अगर आप इस पे क्लेम करना चाहते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लिख दीजिएगा क्लैरिटी 1111। और साथ में आप अगर अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं पर्सनल क्वेश्चन के लिए, तो आपको जाना है व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है, जो रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स, मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने रीडिंग को सीखना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, तो भी आप दिए हुए नंबर पर मुझे लर्निंग का मैसेज करें और स्टार्ट करें अपनी जर्नी को। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल्स पे फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।